हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स जिनमें स्पेलिंग लगभग लगभग एक सी ही होती है या प्रोनाउंसिएशन एक सा होता है, इसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब हिंदी में अर्थ होता है स्वीकार करना। टू रिसीव अ थिंग, टू रिसीव समथिंग, किसी चीज़ को का मिलना, उसे बोलते हैं एक्सेप्ट। सेकंड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मींस होता है इस एक्सक्लूडिंग, लीविंग समथिंग के अलावा, किसी चीज़ को छोड़ना। एक्सेप्ट का मींस होता है किसी चीज़ को छोड़ना, या किसी चीज़ को अलग होने के अर्थ में हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट। सेकंड पेयर है एक्सपेक्ट एंड सस्पेक्ट का। एक्सपेक्ट का मतलब आप जानते ही होंगे, टू होप, किसी चीज़ की आशा करना या उम्मीद लगाना। एक्सपेक्ट का मीन्स होता है किसी चीज़ की आशा लगाना। सस्पेक्ट का मीन्स होता है टू एप्रीहेंड, टू एप्रीहेंड दैट मीन्स आशंका लगाना, किसी चीज़ की आशंका होना, उसे बोलते हैं हम सस्पेक्ट। चलिए थर्ड है हमारा एडॉप्ट। एडेप्ट एंड एडॉप्ट, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है थर्ड वाले का। इसका स्पेलिंग होता है ADAPT। इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा आप, स्पेलिंग गलत है। इसका स्पेलिंग हो जाएगा ADAPT, ठीक है। एडॉप्ट, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट टू टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड लीगली। टू एक्सेप्ट किसी चीज़ की अपनाना, किसी चीज़ को अपनाना या गोद लेना। बच्चे को गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं उसे, या किसी चीज़ को अपनाना। कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट करते हैं, ना कि हम किसी उसे लागू करने को हम अडॉप्ट बोलते हैं। चलिए अडेप्ट। अडेप्ट होता है निपुण, किसी चीज़ में पारंगत होना, निपुण, प्रोफेशनल या प्रोफेशियंट, प्रोफेशियंट या प्रोफेशनल, इसे बोलते हैं हम अडेप्ट। और इसका स्पेलिंग मैंने बताया था आपका अडेप्ट का, इसका मतलब होता है ढालना, टू चेंज अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से ढालना या अपने हिसाब से उसे तैयार करना। फोर्थ फेयर हमारा एल्यूड एंड इल्यूड का। प्रोनाउंसिएशन देखिए एक सा ही है, बिल्कुल एक सा ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग काफ़ी चेंज हो जाता है। एल्यूड का मीन्स होता है रेफर टू, किसी चीज़ को रेफर करना या उल्लेख करना, किसी चीज़ को उल्लेखित करते हैं हम तो एल्यूड, उल्लेखित करना, उल्लेख। एल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप, बचना या किसी चीज से बचना या भागना, भागना भी बोल सकते हैं, किसी चीज से निकलना, दैट मीन्स निकलना, निकलना अच्छा अर्थ होगा, या बचना, टू एस्केप। कबड्डी, प्रो कबड्डी आजकल जो देख रहा होगा उसे पता होगा एस्केप एक स्किल होता है प्रो कबड्डी में। फिफ्थ हमारा पेयर है अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। अब अधिकतर हम लोग समझ लेते हैं अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव एक ही वर्ड है, अल्टरनेट का ही कोई फॉर्म है अल्टरनेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मीनिंग चेंज है, डिफरेंस हो जाता है काफ़ी। अल्टरनेट का मीन्स होता है वन आफ्टर अनदर, एक को छोड़कर एक, जैसे कि कोई सीरीज चल रही है, जैसे रीजनिंग आप करते होंगे, वन फिर उसके बाद टू को छोड़ दिया हमने, फिर थ्री, फिर फोर को छोड़ा हमने, फिर फाइव, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, सब्स्टिट्यूट या सुइटेबल या फिर अवेलेबल इंस्टीड, उसकी जगह पर। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में होता है, बोलते हैं सब्स्टिट्यूट हो गया है कोई फील्डर, सब्स्टिट्यूट का मतलब है उसकी जगह कोई दूसरा फील्डर आ गया है, उसी के उसे ही हम अल्टरनेटिव बोलते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा विकल्प होना। जैसे चार विकल्प होते हैं, क्वेश्चन आता है फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो उसके लिए हम बोलेंगे फाइंड कोई अच्छा विकल्प। और लास्ट है हमारा ओरल एंड ओरल। ओरल हमारा रिलेटेड होता है टू ईयर से, ईयर कान से रिलेटेड होता है, तो बोलते हैं हम ओरल। ओरल का मतलब आप जानते होंगे वर्बल या स्पीचेबल या मौखिक। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसका पार्ट टू में बहुत जल्दी